मोदी जी बोलते हैं ना 18 घंटे में काम करता हूँ, वो तो क्या करते होंगे, उनको तो जनता के लिए जो काम कर रहे हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है ये रोडों पे। मैं 18 घंटे काम करता हूँ ना, मेरी नींद और आंखों को देख सकते हो आप। शर्म आ जानी चाहिए मोदी जी को कि उनकी जनता को उनके घर को छोड़ के जा रहा है। गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? जिस आदमी ने 5 लाख किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रखी हो उसको एक आम आदमी बोल देता है रोड के ऊपर क्या तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? उसको ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करने का दौर जारी है और इधर ट्रक ड्राइवरों ने भी जो है ठान रखा है कि जब तक इस कानून को जो है वापसी नहीं लिया जाएगा, जब तक इस पे सरकार पूरी तरीके से सहमति नहीं बनाएगी, उनको जो है समझाने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक ट्रक ड्राइवर या फिर कोई भी ड्राइवर वो मानेंगे नहीं। फिलहाल इस कानून को जो है इस जो है पूरे प्रक्रिया को जो है काला बताया जा रहा है ट्रक ड्राइवरों के द्वारा। प्रदर्शन लगातार जारी है, अभी भी हमारे साथ लोग बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सर भास्कर त्रिपाठी, मैं दिल्ली से हूँ। सर बिल्कुल, मैं इसके माध्यम से आपको हिडन टर्न के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। क्या आप एक चीज बताइए, जो ड्राइवर घर से 12-15 घंटे गाड़ी चलाने के लिए निकल रहा है उसे बताइए उसे कहाँ जाने की जल्दी है, उसे कहाँ पहुँचना है, उसे कहाँ जाने की जल्दी है? आप मानेंगे जो ड्राइवर 12-15 घंटे गाड़ी चलाने के लिए निकला उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं है? उसे लोगों को उनके यहाँ तक टाइम तक ऑफिस पहुँचाना है, हॉस्पिटल पहुँचाना है, उसको कोर्ट रूम तक पहुँचाना है, उसको जहाँ जाना होगा उसको वहाँ पहुँचाना है। उस ड्राइवर को पर्सनली कहीं किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। जो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल रहा है वो घर से 10 मिनट लेट हो गया, उसको अपने ऑफिस जाने की जल्दी होगी। जिस वकील को कोर्ट रूम में पहुंचना है उस वकील को कोर्ट तक जाने की जल्दी होगी, जिस डॉक्टर को हॉस्पिटल पहुंचना है उस डॉक्टर को हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी होगी। लेकिन आप ये मानने की किसी ड्राइवर को कोई जल्दी है? किसी ड्राइवर को कोई जल्दी? ड्राइवर कहां जाएगा? ड्राइवर का काम है, ड्राइवर का काम रोड पे रहना है। ड्राइवर को कहीं नहीं पहुंचना है, उसको 12-15 घंटे रोड पे रह के वापस अपने घर आना है। बिल्कुल। अब मैं इसके लिए आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और लोगों से छूट रही है। जो जितने भी हमारे देश के महानगर हैं, सिटीज हैं, उनके अंदर देखिए एक तरह का टाइम बॉम्ब घूम रहा है। अब मैं इस बात को आपको बोलूंगा तो आप भी सोचेंगे ये टाइम बॉम्ब है क्या? ये टाइम बॉम्ब है वो जोमेटो वाले जो डिलीवरी के लिए निकले हैं, जो स्विगी वाले उनके जो और भी चीजों को बोलते हैं कि हम आपके घर में 15 मिनट में दवाई पहुंचा देंगे, 15 मिनट में आपके घर पे ग्रोसरी पहुंचा देंगे, आप हमारे ऑर्डर करिए आपके घर में 15 मिनट पहुंच जाएगा, आप उनको चलता फिरता टाइम बॉम्ब मानिए। कारण उन्होंने अपने बाइक पे आगे मैप लगा रखा है, उनके सामने टाइम चल रहा है कि उन्हें उतनी देर तक उन्हें उनके टाइम तक पहुंचना है। वो नहीं पहुंचते हैं तो उनकी रेटिंग 0 हो जाती है, उनके इंसेंटिव काट लिए जाते हैं और वो उस चक्कर में आप देखेंगे पूरे जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जितने भी कोलकाता, लखनऊ, किसी भी शहर में ले लिए, हल्द्वानी, उनको सबको जल्दी है। उन बाइक वालों को जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं आप देखो वो सब जगह सारी सिटीज में रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कहीं डिवाइडर कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक टाइम बाउंडेशन बांध रखी है कि आपको पहुंचना है। सरकार को इसके लिए एक नीति बनानी पड़ेगी, इसके लिए भी एक नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है गलत काम करेगा अपने टाइम पे पहुंचने के लिए। आपको समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार जब कोई भी कानून लाती है, चाहे उसे परिवर्तन लाती है, तो बड़ा सोच समझ करके लाती होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो आखिर इस कानून को जब लाया जा रहा है तो इसमें इतना विरोध करने की क्या जरूरत है? सवाल बार बार वही। सर बिल्कुल विरोध करने की जरूरत है इसके ऊपर, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, एज ए ड्राइवर मैं आपको बताता हूँ कि अपने जीवन में मैंने 4-5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली होगी, और मैं जब रोड पे निकलता हूँ तो जिसने अभी नई गाड़ी लेके आया होगा, जिसने अपने जीवन में 20,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाई होगी, वो मुझसे बोल देता है कि गाड़ी चलानी नहीं आती क्या। जिस आदमी ने 5 लाख किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रखी हो उसको एक आम आदमी बोल देता है रोड के ऊपर क्या तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? उसको गाड़ी चलानी नहीं आता, तेरे को लाइसेंस किसने दिया? और उसकी गाड़ी आप देखोगे उसने अपनी जीवन में 20,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाई होगी। उनकी गाड़ी पूरे पूरे साल 20,000 किलोमीटर नहीं चलती, और एक ड्राइवर की यहाँ पर गाड़ी दिल्ली NCR में क्या किसी भी शहर के अंदर 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और आम आदमी उसको बोल देता है कि तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सरकार ने पूरा बनाया है इसको सरकार को पहले मंथन करना पड़ेगा। ये जोमेटो, स्विगी, आप देखेंगे अमेजन वाले डिलीवरी, फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी लेके घूम रहे हैं, वो अपनी बाइकों के ऊपर दोनों तरफ इतने बड़े बड़े थैले लटका लेते हैं। अब वो किसी कार से टकराते हैं, बस से टकराते हैं, बाइक से टकराते हैं, उसमें किसकी गलती मानी जाएगी? आप उसमें किसकी गलती मानेंगे? जो हिट कर रहा है उसकी गलती मानेंगे या जो रन कर गया आप उसकी गलती मानेंगे? आप सरकार सोच रही है सर कि जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं ये टैक्सी वालों की वजह से, ट्रक वालों की वजह से, बस वालों की वजह से हो रही है। ये जो दुर्घटना है और कारण भी तो है सर, जैसे रोड भी है,
अच्छे मंत्री भी नहीं है जो अच्छे रोड भी सही नहीं बनाते हैं। अवैध तरीके से टोल वसूली जाती है, हम लोगों पे इतना पैसे का कर्जा हो जाता है। आप मैं छोटी सी जिंदगी बताता हूँ, मेरे हिसर में मैं ओला में टैक्सी चलाता हूँ। मैं 18 घंटे, मोदी जी बोलते हैं ना 18 घंटे मैं काम करता हूँ, वो तो क्या करते होंगे, उनको तो जनता के लिए जो काम कर रहे हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है ये रोडों पर। मैं 18 घंटे काम करता हूँ ना, मेरी नींद और आँखों को देख सकते हो आप, मैं चौथे दिन इतना सो जाता हूँ मैं, मेरे को खुद होश नहीं रहता। और तुम बोलते हो कि पैसा कितना बचाते हैं, 7 लाख बोलो, 7 लाख रुपए तो जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की सजा देनी पड़ेगी। मैं पूरी जिंदगी में ना ये पूरी जिंदगी में 7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा सर, मैं खुद बताऊँ 18 घंटे काम करने वाला। और GST इतनी भरता हूँ मैं, सबसे ज्यादा 30,000 रुपए GST हो जाता है, 30,000 मेरा टैक्स हो रहा है, 10,000-20,000 में बचा रहा हूँ, कहाँ से मैं भरूंगा सर, मैं कहाँ से भरूंगा। और दूसरी बार अब तो ज्यादा ही और वसूली और जाएगी, बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो हमारे लाइसेंसों में हर चीज में अभी महंगाई होगी। तो सर प्लीज आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार एक तरफा ना सोचे, कोई दिक्कत नहीं करे, पर हमारी जो सैलरी है वो 1 लाख से दुगनी करे। हर चीज में विदेशों की तुलना की जाती है ना, तो विदेशों में सर तुलना ड्राइवरों की भी तो करो, कि उनकी 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है, लोग क्यों जा रहे हैं अमेरिका में ड्राइवरी करने के लिए। इंडिया को क्यों शर्म आ जानी चाहिए मोदी जी को, कि उनकी जनता को उनके घर को छोड़ के जा रहा है। एक बाप के घर को अगर छोड़ के जाता ना बेटा, तो बाप 6 बार सोचता है, रोने लग जाता है। इस बात पे भी सोचनी चाहिए, हमारी सैलरी भरनी चाहिए, 7 लाख कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस कानून को जो है कैसे देख पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 18 घंटे अभी बोला तो 18 घंटे टैक्सी चला रहा हूँ मैं, किसके लिए चला रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। जब कुछ भी अगर कोई साइकिल वाला, मैं सर सबसे ज्यादा छोटे बहनों की गलती होती है, मैं इतनी गाड़ी चलाता हूँ कि मैं हर रोज देखता हूँ, हर रोज गालियाँ खाता हूँ, मैं हर रोज किसी ना किसी को बचाता हूँ मैं, है ना। छोटे भानों के अगर वो कोई मर जाता है मेरी वजह से, भगवान ना करे, कोई भी ड्राइवर चाहेगा नहीं कि मेरी गाड़ी से कुछ मरे, सुई भी बचा के चलता है सर, भले मेरी गाड़ी को नुकसान हो जाए फिर भी सर, पर हम भी ये सोच के चलते हैं सर कि किसी ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है, मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं यहाँ 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं, इसी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। बिल्कुल सर, 200 किलोमीटर से आप? 200 किलोमीटर सर, ये देख लीजिए, मैं छोड़ के चला गया था 4 दिन से मेरी टैक्सी खड़ी हुई है, फिर मैं 4 बजे से चला हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ 2-3 घंटे में आवाज उठाने के लिए सर। चलिए, इस प्रोटेस्ट में जो है लोग बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे भाई साहब बता रहे हैं 200 किलोमीटर खड़ा कड़ाके की ठंड में जो है यहाँ पर आए हैं। और आप? सिलीगुड़ी से आया हूँ, सिलीगुड़ी से आए, यहाँ पे ड्राइवरी करता हूँ दिल्ली में, ओकला फेस वन में। सर मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा अपनी बात के अंदर, मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत ज्यादा मीडिया का धन्यवाद। आप बोलेंगे मैं क्यों करना चाहता हूँ, कल एक अफवाह फैलाई गई कि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल वापस ले ली, मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया का, जो उन्होंने उसको नाम दिया ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल ले ली करी थी वो ट्रांसपोर्टरों ने वापस ले ली, लेकिन ये जो हमारी हड़ताल है ये ड्राइवरों की हड़ताल है। तो जो मीडिया भ्रम फैलाना चाह रहा है कि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल ले ली वापस, वो ट्रांसपोर्टरों की अपनी कोई हड़ताल हो सकती है जो ड्राइवरों को पता नहीं है, ड्राइवरों की अपनी एक हड़ताल है, ये स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन है और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ, कल जो लोग मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, वो मेरे को बता दें वो कौन लोग थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कम से कम 500,000 की संख्या में ड्राइवर हैं, आप इनसे पूछिए कि वो आप जानते हैं किसी को, कोई भी ड्राइवर उनको नहीं जानता कि वो है कौन। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं आज यहाँ की बात नहीं करता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने किसी एक ड्राइवर से भी पूछा हो, उन्होंने एक ड्राइवर से भी पूछा हो कि हम तुम्हारे बिहाफ पे बात करने जा रहे हैं। ये सब कुछ एक जो है प्लानिंग के तहत हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए कल एक मीडिया में न्यूज फैलेज करी गई है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया का कि उन्होंने इसको ट्रांसपोर्टरों का हड़ताल बोला कि उन्होंने वापस ले लिए, अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं बोला कि ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। फिलहाल जो है ये ड्राइवर जो है इन्होंने एक नया नारा दे दिया है कि जो है स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, एक आंदोलन का भी नारा दे दिया है कि स्टेयरिंग ही छोड़ दे रहे हैं, जब स्टेयरिंग ही छोड़ देंगे तो